सवाल लगाया है। स्टोन्स बहुत अच्छे होते हैं, मुझे बचपन से ही पसंद है। आइए मैम, प्लीज बैठिए। लेकिन यहाँ तो स्टोन्स है ही नहीं। क्या हो गया मैम? कुछ भी तो नहीं। बताइए ना मैम, क्या तकलीफ है? वो शिवचन दरअसल। बताइए ना। तुम अपने स्टॉल पर वापस जाओ। लेकिन बोचन, तुमने तो स्टोन्स का स्टॉल लगाया था ना? नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ। क्या तुम एक डॉक्टर हो? एक डॉक्टर? लेकिन यहाँ तो लिखा है कि तुम स्टोन्स। अरे अरे, लगता है बोचन ने लिखने में गलती कर दी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं जा रही हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। चलो भी, क्या तुम मेरी स्टॉल पर मदद नहीं करोगे? लेकिन नैनी, मेरा तो अपना स्टॉल है ना। मुझे कुछ नहीं सुनना है। ठीक है नैनी, बस आओ, तुम गार्ड बन जाओ। बस वही लोग अंदर आ सकते हैं जिन्होंने अपॉइंटमेंट लिया हो। ध्यान रखना कोई गलती ना हो। समझ गए मेरी बात मसाओ? मेरे पास काफी अच्छी और महंगी ज्वेलरी है, पता नहीं यहाँ के लोग इसे खरीद भी पाएंगे कि नहीं। पर अगर कोई खरीदेगा नहीं तो मेरे स्टॉल का सामान बिकेगा कैसे? तुम फिकर मत करो। पहले मैं देख तो लूं कि तुम्हारे स्टॉल पे कुछ खरीदने लायक है कि नहीं। आइए, इनमें बहुत सारा कैल्शियम है। चुप हो जाओ, तुम अपने स्टॉल पे नहीं हो। काश मैं अपने ही स्टॉल में होता। मासूजाका मैम, आपका स्वागत है। मैं आपको क्या दिखाऊं? तुम्हारे स्टॉल की सबसे महंगी रिंग। मैं आपकी बात समझ गई। ये लीजिए, है ना ये सारी खूबसूरत? हाँ है तो। देखने में अच्छी लग रही है। वैसे ये कितने की है? मैम ये रिंग में 5,000 की है। ये तो काफी सस्ती है। और ये वाली कितने की है? मैम ये वाली काफी कीमती है। मैं आपको दूसरी दिखाती हूँ, आप इसे नहीं खरीद पाएंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं इसे खरीद नहीं सकती? नैनी बस तुम इसकी कीमत बताओ। क्यों नहीं मैम? जल्दी बताओ नैनी। बताती हूँ मैम। जल्दी बताओ नैनी। बताती हूँ मैम। लगता है माथुसाका मैम को नैनी का स्टॉल कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है शिनचान। नैनी का स्टॉल अच्छा है। पता नहीं ये माथुसाका मैम हमेशा ही अपने बारे में क्यों सोचती हैं? ना जाने कैसे टीचर हैं। क्या कहा योशिनागा मैम? मुझे तो लगता है मेरी इतनी अच्छी रिंग देखकर आपको जलन हो रही है मैम, यही बात है ना? जिस रिंग की तुम बात कर रही हो, इस तरह की रिंग्स मेरे पास बहुत सारी हैं। मुझे नहीं लगता आपके पास ऐसी रिंग हो भी सकती है योशिनागा मैम। तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। अरे रुक जाइए आप लोग। ठीक है तो अब मेरे स्टॉल की बारी है। तुमने किस चीज का स्टॉल लगाया है? देखो ये तुम सबकी स्टॉल से कुछ अलग है। मैं सबको इंटरनेट से शॉपिंग करवाने वाला हूँ, जो कि सच में बहुत ही मजेदार होगा। चिनचैन, बताओगे आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारा इंटरनेट तो टूट गया। तुमने तो तोड़ दिया। फिर इसमें कुछ भी नहीं मिला। मैंने तुम्हें बताया ना, इंटरनेट शॉपिंग से तुम कुछ भी खरीद सकते हो, जो भी तुम चाहो शिनचैन। तो ठीक है, मुझे क्वांटम रोबो बॉडी पिलो चाहिए। उसमें क्या है, ऑर्डर दो और बस हो गया। वैसे बहुत हो गया शिनचैन, अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे बहुत काम करना है। प्लीज मुझे ये दे दो ना। नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। अगर तुम ये नहीं दोगे तो मैं ऑर्डर कैसे करूँगा? ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर ऑर्डर कर दो। क्या तुम मेरे लिए क्वांटम रोबो बॉडी पिलो ऑर्डर नहीं करोगे कजामा? ये लो लैपटॉप और जो भी ऑर्डर करना है कर दो। तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, पर ऑर्डर कैसे करते हैं? अगर तुम्हें टॉय चाहिए तो फिर तुम यहाँ से इस टॉय कैटेगरी में से सिलेक्ट कर सकते हो शिनचैन। ये लो, टॉय का नाम सिलेक्ट करो। इतना मत सोचो शिनचैन, अब जल्दी करो। अच्छा समझ गया। हाँ ठीक है, क्लिक करो। क्लिक? हाँ अब करो भी। कर दिया। सोच क्या रहे हो, जल्दी से क्लिक करो। इसमें तो वो है ही नहीं। ठीक है, ये लो अब इससे यहाँ ऊपर क्वांटम रोबो लिखो। अरे नहीं, ये क्या किया तुमने? तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो कजामा? मैं रो रहा हूँ।
ठीक है, तुमसे माफ़ी मांगने के लिए मैं तुम्हें अपने स्टॉल पर ले जाऊंगा। क्या कहा, तुम्हारा स्टॉल? मजा आ गया। इस स्टॉल में क्या है? तुमने ये क्या लिखा है शिनचैन? मसाज सेंटर। क्यों है ना ये वाकई कमाल का। लोग इस स्टॉल पर आएंगे और आराम से धूप में लेटकर मसाज करवाएंगे। शिनचैन, तुम्हें सही स्पेलिंग लिखनी भी नहीं आती। रुको, मैं ठीक करता हूँ। जमा मैंने ठीक ही लिखी है। ये ठीक नहीं है। अरे वाह, शिनचैन ने अपने स्टॉल पर मसाज सेंटर बनाया है, बहुत अच्छे। हेलो बॉस, अंदर आइए ना। आइडिया अच्छा है शिनचैन, मैं अंदर आऊंगा, लेकिन कजामा क्या तुम अंदर नहीं आओगे? अरे वाह, ऐसी सूरज की रोशनी में पैरों की मसाज करवाना कितना अच्छा लगता है। यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। आराम से लेट जाइए बस और मसाज का आनंद लीजिए। वाह, मजा आ गया शिनचैन। अरे वाह, सर के पैरों की मसाज कर रहे हो, तुम्हारा स्टॉल तो वाकई कमाल का है। अभी स्टॉल फुल है, अगर आपको भी मसाज करवानी है तो वहाँ अपना नाम लिख दीजिए। अच्छा ठीक है। मुझे तो नींद आ रही है। बहुत बढ़िया कजामा, मैं भी आराम करता हूँ। अरे ये लोग तो सो गए। बेटी ठीक हूँ। बेटी तुम्हें ताजा तरबूज चाहिए? अरे वाह, अरे वाह, कितना बड़ा है ये। इतना बड़ा तरबूज क्या आप हमारे लिए लाई हैं आंटी? हाँ बिल्कुल, हमारे रिश्तेदार ने गांव से बहुत सारे भेजे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। थैंक यू सो मच। वैसे तो हमारा पार्टी का प्लान नहीं था, फिर भी हम पार्टी करने वाले हैं। थैंक यू। इसकी बातें नहीं बोलती शिनचैन। कोई बात नहीं। मीठा तरबूज, बड़ा बड़ा, भारी है, बहुत मजा आएगा। हाँ, थोड़ा और जोर लगाइए, उठाइए। देखो इतना भारी, हमें तरबूज मिला है, वो भी फ्री में। देखो देखो, मॉम प्लीज इसे खाते हैं ना अभी, प्लीज। ओ नहीं शिनचैन, इतनी जल्दी नहीं खा सकते। पहले इसे ठंडा करेंगे। अरे नहीं, फ्रिज तो पूरी तरह से भरा हुआ है और ये जगह भी भरी हुई है। तरबूज रखने के लिए कोई जगह नहीं है। अब मैं इसे कैसे ठंडा करूं? फ्रीजर में भरा हुआ है, अब इस तरबूज को मैं कहाँ रखूं? मेरी हालत भी हमारी अलमारी जैसी हो गई है। तुम्हें उल्टी सीधी बातें मत करो। क्या मैंने गलत बोला? कोई बात नहीं, हम इस तरबूज को बाद में खा लेंगे। मुझे अभी खाना है, प्लीज मैम, मुझे खाना है, खाना है, खाना है। नहीं शिनचैन, अभी कुछ नहीं हो सकता। मुझे अभी खाना है। आया ठीक है शिनचैन।